अश्वेता, एक महत्वपूर्ण सवाल जंग के 14वें दिन आज ये खड़ा हो रहा है कि वेस्टर्न यूक्रेन का जो हिस्सा था, जो अब तक खुला हुआ था, अब वहां पर भी कब्जा किया जा रहा है, वहां से भी हमले की बात आ रही है, विनिसिया पर अटैक किया जा रहा है। ऐसे में क्या कीव की घेराबंदी चारों तरफ से ये क्या संकेत देती है जंग के 14वें दिन? शुभांकर, बिल्कुल सही है कि जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, जहां से ऐसा लग रहा था कि वहां पर शायद कुछ अभी कीव कुछ हद तक खुला हुआ है, लेकिन कीव को चारों तरफ से घेरने की ही के ही प्रयास में वो नजर आ रहा है। हालांकि ये तीसरा दिन हो रहा है जब जो जेट्स हैं उनकी आवाज आसमान में, खासकर अंधेरा होने के बाद रात में, बहुत ज्यादा सुनाई देती है। लेकिन इस नए आक्रमण के साथ, इस नए मोर्चे के साथ, ये हम समझे कि अभी तक जो उत्तर और पूर्व उत्तर, पश्चिम उत्तर की बात हो रही थी, जिस तरीके से अभी तक इरपिन बूचा वाला पूरा इलाका हम देख रहे थे, लेकिन अब जो नए नए फ्रंट्स खुल रहे हैं ना शुभंकर, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि धीरे ही सही, लेकिन रूस की जो रणनीति रही है वो उस पर ही अमल कर रहा है और घेराबंदी करते जा रहा है। और कल भी जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई थी शुभंकर, कि कम से कम उत्तर वाले हिस्से पे, उत्तर और नॉर्थ वेस्ट के हिस्से पर कीव के सड़कों पर पूरे वैगन्स कल लगा दिए गए थे। अब जहां जहां पर हमें नहीं भी दिख रहे थे, वहां पर रेलवे जो वैगन्स हैं उन सबको वहां पर लगा दिया गया था। कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर आप आसानी से बेधड़क आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अब जो बाकी के बचे हिस्से हैं, क्योंकि वहां से सप्लाई लाइन आ रही है कीव को, शहर में अभी भी लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत तरह की सप्लाईज आनी होती है। आप सैन्य सप्लाईज की तो बात ही छोड़ दीजिए, सैन्य सप्लाईज जो आने हैं उसके लिए भी कोई हवाई रास्ता तो कीव में खुला नहीं है। अगर कीव का डिफेंस होना है तो ये लॉजिस्टिकल सप्लाईज, ये आर्म सप्लाईज, ये हथियारों की सप्लाईज, ये सारी की सारी जरूरी हो जाती है। और जैसे ही कीव आपका कट जाता है बाकी हिस्से से, उसके बाद तो न ये सप्लाईज आएंगे और न ही आपका जो पलटवार है या फिर आपका जो रेजिस्टेंस है वो रह पाएगा। नहीं तो श्वेता, क्या यही वजह है कि डोनेट्स्क या लुहानस्क को लेकर जो बातचीत के लिए यहाँ पर जेलेंस्की तैयार हुए हैं, और ये भी कहा कि देखिए मैं उस देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता हूं जो गिड़गिड़ाए नेटो के सामने, नेटो बच रहा है, तो क्या ये जो उनके टोन में बदलाव है, क्योंकि पहले वो कह रहे थे कि मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक लड़ूंगा, ये इसी का असर है कि उन्हें भी समझ आ रहा है कि ऑप्शंस बहुत कम हो गए अब? ये उसी का असर है शुभंकर। और याद कीजिए कि कल सवेरे भी हम जब इस बारे में बातचीत कर रहे थे तो हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है यहाँ पर जो उन्हें ये सलाह भी दे रहा है कि आगे चलकर लोकतांत्रिक तरीके से फिर कुछ किया जा सकता है, लेकिन क्या आज की ये बर्बादी रोकी जा सकती है, आज की ये बर्बादी को थामा जा सकता है? ठीक है, रूस पूरी दुनिया के सामने एक विलन के तौर पर जरूर पेश आ रहा है इस समय जिस तरीके से उसने आक्रमण किया, लेकिन जेलेंस्की किस तरीके से पेश आ रहे हैं? वो एक मजबूत नेता है, मजबूत नेतृत्व उनके अधीन दिखा है, लेकिन वो भी जानते हैं कि कुछ सीमाएं हैं, कुछ बंधन हैं, किस जिसके आगे जाकर यूक्रेन नहीं अपनी हिफाजत उस तरीके से कर सकता है, क्योंकि कोई आया नहीं। MiG-29 अगर पोलैंड कह देता है कि हम दे रहे हैं, हमारे सारे के सारे MiG-29 ले जाए जाए, लेकिन उसका किस तरीके से इस्तेमाल होगा रूस की उस बड़ी वायुसेना के खिलाफ जो बेखौफ यहां के आसमानों में अपने विमानों को उड़ाती रहती है, जहां दिल आए वहां पर वो शेलिंग करते रहता है, बमबारी करता है। ठीक है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से कुछ को मार गिराया गया, लेकिन वो कितना हिस्सा है, कितने प्रतिशत है रूस की सेना का? जेलेंस्की इस चीज को समझ रहे हैं और उनको लोग समझा भी रहे हैं उनके इर्द गिर्द के कि इसका रास्ता किस तरीके से निकलेगा। अगर रूस कदम पीछे नहीं खींच रहा है तो क्या कोई कदम वो पीछे खींच सकते हैं, ये दिखाते हुए कि वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं यूक्रेन को लेकर, लेकिन वो एक तरह से कहिए कि अपने देश को पहले रखकर सोच रहे हैं।